हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं यार प्यारे बच्चों। यार एक मिनट यार, ओके चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ सब चीज़ ठीक है ना। हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए, सो एक बार जल्दी जल्दी से ये बता दो कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। एक मिनट, ओके, इज एवरीथिंग इज़ ऑडिबल? ओके, आई एम ऑडिबल? क्या आई एम ऑडिबल? आइए, तो सबसे पहला सभी को प्यारा भरा गुड वाला इवनिंग यार, प्यारा भरा गुड वाला इवनिंग। ओके, ऑडिबल है भैया? आवाजें आ रही है? आवाजें आ रही है? हाँ जी, चलिए आइए तो फिर बिगिन करते हैं। हम लोग 2013 का पेपर नीट एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे पेपर खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। अगर मैं अगर इस पेपर को दूंगा तो मेरे को कितना समय लगेगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मैं कैसे करूंगा, वो पूरा हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो एक काम किए, सारे बच्चे पढ़ा वढ़ा भी जुड़ जाइए और हम लोग हमारे इस ऑसम से सेशन को बिगिन करते हैं। और पहला सवाल, एक मिनट, ओके आइए। पहला सवाल कह रहा है, द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड द आईज ऑफ कैट shows the different pattern of structure, yet they perform a similar function. ये किसका example है? ये किसका example है? So अगर मैं इस question को देखूंगा तो मेरे को सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है? Eyes, eyes के बारे में बात हो रहा है, eyes के बारे में बात हो रहा है। और क्या बोला गया है, इनके पास different pattern है लेकिन structures, okay, जो function है वो similar है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा? ये होगा मेरा एनालोगस ऑर्गन। पहली बार एनालोगस ऑर्गन होगा, है क्या? अभी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ओके, डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न है। तो ये कौन सा इवोल्यूशन शो करेंगे? सो ये शो करेंगे कन्वर्जेंट, शो करेंगे, करेंगे, यस ऑफकोर्स भैया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे जी। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अपने से। अगला सवाल ये कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन द ह्यूमंस, लोकोमोशन इन द ह्यूमंस, बता पाओगे, बता पाओगे? आइए, क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है? क्या देखो, सबसे सिंपल बात, ओके, क्या जॉइंट, ओके, बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इज अ फाइबरस जॉइंट? नहीं भैया, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन कॉजेस द ऑस्टियोपोरोसिस, ये बात एकदम गलत है, ओके, डिक्रीज क्या प्रोजेस्टेरोन, ना 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 ना, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कॉजेस देयर इन्फ्लामेशन, ये बात एकदम सच है, ये बात एकदम सच है। मतलब क्या था, वर्टिब्रल कॉलम एज अ टेंथोरैसिक वर्टिब्रा, नहीं 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 नहीं, किधर बोला, कौन है वट टेन है क्या, ट्वेल्व होते ना, इस तरीके से हमने को सोचना है। ओके आइए, अगला सवाल, अगला सवाल, अब फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, अब फॉस्फोग्लिसराइड, आइए सोचते यार क्या होगा। तो जैसे जो मैंने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में, क्या कि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इनके पास एक मॉलिक्यूल है, इनके पास एक मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल किधर किधर दिया हुआ है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच होता है क्या? हाँ, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कभी अटैच नहीं होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ओके, तो ये सवाल देखिए किधर है क्या, ओके, क्या लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच टू द ग्लिसरॉल, ये इनकरेक्ट है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच, नहीं ये भी इनकरेक्ट है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच, क्या ऑनली अनसेचुरेटेड होगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये चाह तो ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और ये अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। सो आंसर वुड बी द डी, होगा डी होगा। आइए अगला, हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, पेरिस्पर्म डीपर फ्रॉम एंडोस्पर्म, जैसे कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, क्या बैंक डिप्लॉयड,
बेइंग डिप्लॉयड, यू एन होता है क्या, और ये तुम्हारा थ्री एन होगा, सिंपल सी बात है। अगला, और सिडेंटरी सी एनिमनी गेट अटैच टू द ओके शेल लाइनिंग द हर्मिट क्रैब इज द एसोसिएशन ऑफ, ओके इसका आंसर अभी भी सस्पेंस में, कुछ लोग कमेंसलिज्म कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। आइए, सो यहाँ पर है ना, मैंने सस्पेंस को ब्रेक करवाया, और मतलब मैंने नहीं करवाया, मैंने पेपर से बहुत गो थ्रू किया, जिपमर में इसका आंसर दिया है सिम्बायोसिस, और नीट वालों ने इसका आंसर दिया कमेंसलिज्म, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे ना, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, द आंसर वुड बी द सिम्बायोसिस, बिकॉज क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है क्या, एक खाना बना रहा है तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन अभी नीट का है पैटर्न, तो नीट में तो सिम ओके कमेंसलिज्म लिखा गया है। ओके अगला, और जिपमर वालों ने इसका सिम्बायोसिस दिया है। अगला, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, कोई बताया कौन सा, टी लिम्फोसाइट, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, डीप सी वाटर हाई प्रेशर रहेगा एकदम ज्यादा, कौन है वो है आर्किबैक्टीरिया। अगला, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कोई बताएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, फ्लाइंग फिश नहीं रे, कटल फिश बिल्कुल नहीं, सिल्वर फिश यस यस, पॉपर फिश भी नहीं होगा, सब तो कोडाट है यार, ये सब कोडाट है। अगला, मेगस प्रोजेनियम इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, ये ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। और अगर मेगा स्पोर बोलेगा तो, मेगा स्पोर बोलेगा तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बराबर है। ओके, काइटो प्रोटोकॉल वॉज एंडोर्स्ड एट, कहां पर, कहां पर पता है, एनसीईआरटी की लाइन कॉप थ्री, कॉप थ्री एनसीईआरटी का लाइन है। ओके अगला, कोई मेरे को बताएगा, ये पूरा आपको ए बी सी और डी दिया गया है, ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन सा, इसमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट नेमिंग कौन सा है जो बता रहा है पूरा, लूप ऑफ वेनली कभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, ये वैसे ही गया है, जो ये वैसे ही गया। दूसरी बात क्या बोला है, ओके डी मेरा क्या कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कभी भी नहीं, डू नॉट कंटेन, नहीं नहीं ओके स्पेसिफिक पार्ट करता है नेफ्रॉन की कंटेन को। अब देखो जो ए है एड्रिनल ग्लैंड, ये एंटीरियर पार्ट में है क्या, और ये कैटेकोलेमाइंस और जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, करेगा, सो करेक्ट क्या होएगा, ए होगा, करेक्ट ए होगा, बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, यस, क्या सी होगा, अरे सी कौन कह रहा है। अगला, इन द चाइना रोज द फ्लावर्स आर, इन द चाइना रोज द फ्लावर्स आर, जल्दी बोलो जल्दी बड़ी तेजी से, ओके एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगला, इन द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल क्या है, क्या है मेजर रोल, इन द पोस्ट ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसिंग करेगा, ये प्रोसेसिंग करता है जो भी कोला बनाएगा, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होगी, इन शॉर्ट पैकेजिंग होगी। ओके, व्हाट इज एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ कॉकरोच नेम, क्या होगा, निम्फ का मतलब क्या होता है, लार्वा से एडल्ट होता है क्या, बोलो लार्वा से एडल्ट होगा, यस, सो मेरे पास बोथ फोरविंग्स और एंड विंग डेवलप होंगे, यस यस। अगला ओके, आइसोगेमस कंडीशन विद द नॉन फ्लैजिलेटेड, ओके विद द नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, कहां पर मिलता है वो, स्पाइरोगायरा में। अगला, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसा होगा, ये ट्रांजिशेंट होगा और स्टेबल होगा क्या, क्या वो स्टेबल होगा, बोलो यार, यस और नो, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, उड़ेगा। ओके ट्रांजिस्टेंट होगा, अनस्टेबल होगा, ओके ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ना अक्सर गलती करते हैं,
बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस पॉइंट पे। द आंसर वुड बी द डी, द आंसर वुड बी द डी। हाई का ट्रांजिशन होगा लेकिन अनस्टेबल होगा बिकॉज एंजाइमेटिक रिएक्शन है ना, वो कर्व आप लोगों को याद होना चाहिए, ये वाला ग्रोथ। ठीक है, ये वाला, ये इस पर सवाल है अगला। ओके, सिलेक्ट द आंसर करेक्टली। मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड ओके विद द हार्मोन इट सीक्रेट। कौन सा है? थायरॉइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट है क्या? अगला, द कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपियर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू ओके ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट बिकॉज ऑफ ओके। ब्लू क्यों आया? ब्लू क्यों हुआ? ब्लू क्यों हुआ? ब्लू क्यों हुआ? ब्लू ने कारण था मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेस है क्या? देखो यहाँ पर कोई है क्या? इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम, नहीं। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग द बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा। अगला, मोनासियस प्लांट कारा शोज द ऑक्रेंस ऑफ ओके, ऑक्रेंस ऑफ, ऑक्रेंस ऑफ, ये किसका ऑक्रेंस शो करेगा? अपर रुगेनियम, लोअर एंथ्रिडियम है क्या? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टिनोगेमी, एडवांटेज क्या क्लिस्टिनोगेमी का? जल्दी जल्दी बोलो यार, ये पॉलिनेशन पे ओके पॉली ओके पॉलिनेटर पे कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं। आइए रैपिडली लिख लेते हैं। एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, इज ड्यू टू व्हाट? रीजन क्या है इसका? सेंट्रल गैप है क्या? एच जोन होता है क्या? सेंट्रल गैप। अगला, आर्टिफिशियल इंसिमेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसिमेशन का मतलब क्या होता है बोलो? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम, प्रॉन्स, स्कॉर्पियन और लॉक्टिस? आर्थ्रोपोडा। अगला, सीड कोट इज नॉट अ थिन मेम्ब्रेनस इन, नॉट अ थिन मेम्ब्रेन, कहां पर, कहां पर, कहां पर? कोकोनट में नहीं रहता है ओके, डार्क रहता है, डार्क 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 डार्क। अगला, इफ अ टू पर्सन एबीओ ब्लड ग्रुप ओके ओके, इफ अ टू पर्सन विद एबीओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप मैरिज एंड हैव द सफिशियंटली लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ओके, दिस चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड एज अ ए ब्लड ग्रुप, ए बी और बी, 1:1 रेशियो। मॉडर्न टेक्निक प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन द ए बी। ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? हमने कल दिया था भैया, को डोमिनेंस का, वो रोन कोट का, अपने को याद है वो कोट का भी, कोट कलर ओके, और ये ब्लड ग्रुप वाला। अगला, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द ओके डेवलपिंग फीटस ऑफ द अमीनोसेंटेसिस, अमीनोसेंटेसिस तुम लोग क्या डिटेक्ट नहीं कर पाओगे? जॉन्डिस का भी नहीं, बिकॉज अमीनोसेंटेसिस अपन क्या करते हैं, जिनेटिकल एबनॉर्मिलिटी, कोई डिटेक्ट कर पाते। अगला, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन है? पहला स्टेबल कौन है लेग्यूमिनोसी प्लांट में बोलो? अमोनिया। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीज द ओके पॉपुलेशन ऑफ द रैट इन द बार्न, ही फाउंड द एवरेज मोर्टेलिटी कितना? 250। एवरेज मोर्टेलिटी कितना? 240। इमिग्रेशन कितना? 20 और 30। कितना होगा, कितना होगा? +270 -270 जीरो होगा, जीरो होगा क्या? ऑफकोर्स फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, हमारे मॉक में आ चुका है, कंज्यूमर है क्या? बोलो यार। अगला, ओके, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस ऑकर बाय, ऑकर बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग द एग ऑफ एस्कैरिस, कंटामिनेटेड वाटर। अगला, वेरी गुड, ये बहुत ही प्यारा सवाल आया है, ए टू डी दिया गया है और करेक्ट लेवल कौन सा है, करेक्ट लेवल कौन सा है? आइए जी देखिए, ए जो है मेरे पास पल्मिनरी वेन है क्या जी, है क्या बताओ? और 95 बिल्कुल है, ये प्रेशर अलग दिया है जी, प्रेशर अलग दिया है, कितना होगा PO2 प्रेशर, कितना होगा?
140 के बहुत जाएगा ऑफ कोर्स। ओके जो आपका ये रहेगा। ओके चलिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बी पर आते हैं, ये पल्मिनरी आर्टरी कैसे होएगा रे, पल्मिनरी आर्टरी ऐसे इनकरेक्ट हो गया। सी जो है वो मेरा वेना केवा है, और वेना केवा में जो PCO2 लेवल होता है 45 mmHg। ओके ओके, अगला सवाल, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन द जेनेटिकल इक्विलिब्रियम मे बी डिस्ट्रीब्यूट। ओके डिस्टर्ब बाय, कैसे डिस्टर्ब होगा, कैसे डिस्टर्ब होगा, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। जब तक मेरा रैंडम मेटिंग अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो पॉपुलेशन जो होगा, जो पॉपुलेशन होगा वो मेरा डिस्टर्ब ही नहीं होगा। ओके ए बी सी कोई बताएगा भैया, करेक्ट 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 एकदम करेक्ट, करेक्टली कौन है, करेक्टली कौन है, ये मेरा क्या है, रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है क्या, यस ए रिसेप्टर है, सी साइनेप्टिक वेसल्स, और ये मेरा बी जो है ना वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये मेरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो करेक्ट अपने को बी लग रहा है। अगला, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल बोलो यार, एस्पर्लिगस। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे, नंबर ऑफ एनिमल रिंग्स, डायरेक्ट लाइन। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म विद अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी इवॉल्व, ओके, सिमिलर फिनोटॉपिक अडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, क्या होगा इसका आंसर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगला कोई बताया कौन सा फेज है, ये टीलोफेज है क्या, ये टीलोफेज है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, सारे मेम्ब्रेन मेरे रिफॉर्म हो गए, रिफॉर्म हो गए, सारे रिफॉर्म हो गए। अगला, ये हमने स्पेशल में लिया गया है, इन तीनों में से भैया कौन सा करेक्ट है, तो जो सी है ना वो एल्वियोला है, और एल्वियोला में गैसेस एक्सचेंज होता है, होता है। अगला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहां से डेवलप हो रहा है जल्दी बताओ, मेडुलरी रेस, कुछ नहीं है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, अरे यार फूड मेरा क्या, कौन मोबिलाइज करेगा, फूड कौन मोबिलाइज करेगा, गिब्रेलिन, गिब्रेलिन करेगा। ओके आज लाइक नहीं किया यार, आज लाइक नहीं किया, डिसलाइक आज मारे हो, कौन है रे बाबा। अगला, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहां पर होगा, मियोसिस कहां पर होगा, ओके मियोसाइट। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन 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 ने क्या बताया था, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बारे में बात किया था। ओके कौन सा क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, बताओगे, अपील होता है क्या, अपील होता है क्या, फैसिलिटेटेड नहीं 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 नहीं, ये तो एक्टिव का यार, डाउनहिल डाउनहिल डाउनहिल। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड 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 लिपिड, बताओ बताओ बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अरे बड़ी तेजी से बताओ यार, हाँ जी क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शानदार, क्या हो रहा है यार, ये लैग नहीं हो रहा यार, कौन कह रहा है लैग हो रहा है, वो लैग वाला कौन है, लैग बिल्कुल नहीं हो रहा है। नेचुरल रिजर्वर ऑफ द फास्फोरस कौन है, रॉक। विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, कौन है कौन है कौन है कौन है, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, करेक्टली डिस्क्राइब बोलिएगा,
फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज अ अर्थ फॉर्म. इफ बोथ द पेरेंट कैरीज ओके कैरियर ऑफ द थैलेसीमिया विच इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, चाइल्ड को चांसेस क्या रहेंगे भैया? चाइल्ड में चांसेस क्या रहेगा? मेरी आवाज ही आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है लैग का. कौन कौन? अरे लैग नहीं हो रहा यार, बावले लोग लैग नहीं हो रहा है. कौन है रे वो लैग वाला? ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. ओके 25% है क्या? 25% चांसेस होगा बिकॉज ऑफ क्यों? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है क्या? बहुत ही कम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू फॉर द जीन शोज अ 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? बताइए बताइए. नॉट अ ट्रू. ये तो लूजली लिंक्ड होना चाहिए, लूजली लिंक्ड होना चाहिए. अगला वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल. लीगल मेथड कौन सा है? लीगल मेथड कौन सा है? अबॉर्शन बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेडिसिन, पहले भी किया है. बिसाइड द पेडीपेड साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द वेजिटेटिव पार्ट. बताओ कोई कौन? साइकस. ओके कौन सा मेरा करेक्टली मैच है? टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से जल्दी बताना. हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई, टिशी फ्लाई और सिल्वर फिश. इंसेक्टा. वेरिएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय द चांसेस रेदर देन बाय द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन डेफिनेशन है डायरेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. कॉलम वन कॉलम टू. आइए कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पर? क्या ग्लाइसिन और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव अब्सॉर्प्शन है क्या? यस. रॉन्ग 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 रॉन्ग. बताइए रॉन्ग रॉन्ग कौन सा? ओमोसाइट में फीमेल गैमेट क्या मेरी स्मॉलर होगी? नहीं रे बाबा, ये लार्जर होती है और नॉन मोटाइल होती है, और नॉन मोटाइल होती है. और मेल मेरा स्मॉलर होगा और वो मेरा मोटाइल होगा. अगला. ओके विच मेंडलिज्म आइडिया इज डिपेक्टेड बाय द क्रॉस इन विद द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट? कौन सा वो? लॉ ऑफ लव. बताओ कौन सा वो? पक्का को डोमिनेंस है क्या? को डोमिनेंस. इजंट इट? अगला द डायग्राम ऑफ पी भैया पी वेव. पी वेव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इन विच देयर इज अ नॉनसेंस लैक वॉज. अरे अभी आया था, थोड़ी देर पहले आया. ओके नॉनसेंस दिया है ना. अगर सेंस रहता तो, सेंस रहता तो थ्री होता. अगला द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कौन है? कौन है? कौन है? पोटेशियम. ओके बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. प्लासेंटा काम ही नहीं है, काम ही नहीं है. कौन सा भैया? कौन है? कौन है? कौन है? ऑक्सीटोसिन. ये कभी सीक्रेट नहीं करता. प्लासेंटा कभी नहीं सीक्रेट करता. इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ द ओके हैविंग द ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल द जीन इन द गिवन क्रॉप इज कॉल्ड एज अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? क्या फोटोग्राफ्स होते हैं क्या वहाँ पर? नहीं, स्पेसिमेन होते भैया, स्पेसिमेन होते हैं. म्यूजियम में स्पेसिमेन रखते हैं. अगला कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? क्या क्या करेक्ट होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस. ओके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ग्लोबल डाइवर्सिटी में कौन है? फंजाई है क्या? 72,000 स्पीशीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन द इंडिया बाय द फार्मर्स? कौन सा? कौन सा? बीटी कॉटन है क्या? कितना सिंपल पेपर है.
रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर दी क्वेश्चन. लिवर विद मॉसेस एंड पॉन्स ओके आर फ्री लिविंग, बात है क्या? यस. जिम्नोस्पर्म एंड सम पॉन्स आर हेटरोस्पोरस, बात सच है. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्यूकस वॉल्वेक्स एंड अल्बिगोस हो गया, मच बात सच है. स्पोरोपॉड इन लिवर लिवर वुड इज मोर इलाबरेट, ना ना ना, मॉसेस इज मोर इलाबरेट देन द लिवर, ऐसा कुछ है क्या? लिवर रोड इज अ मोर इलाबरेट देन द मॉसेस. अगर पीनस मेरा मुनाशी है जरे भाई, ये तो इनकरेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है. असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, असेंशियल कौन है? विटामिन, कॉमन सेंस. अरे क्या करेक्ट होगा इस डायग्राम में, करेक्ट क्या होगा? ये जो ए है, ए है, ए है, क्या वो रेटिना है? क्या रेटिना है जहां पर तुम्हारे फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कॉन्स है? अरे बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस ईटीएस और तुम्हारे पास और सॉरी ग्लाइकोलाइसिस देन अपना क्रैब और ईटीएस, क्रैब और ईटीएस, इन सभी में क्या फ्लो कर रहा है? चार में, आठ में और बारह में एटीपी. पिगमेंट कंटेनिंग द मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन, साइनोबैक्टीरिया, क्रोमैटोफोर्स होगा, होगा होगा, यस. अब तो फॉलोइंग इज अ करेक्ट, करेक्ट देखते मारो. टेपिटम नरिशमेंट देगा डेवलपिंग पोलन को. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट क्या होगा बताइए? फ्लूइड फील्ड होता है साइनोवियल कैविटी में, होता है क्या? एट लास्ट एक्सेल, ओके एट लास्ट और एक्सेस, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, पाइवेट जॉइंट है ना. अगला एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट कब आया, कब आया, कब आया? 1981 में भैया आया था, एग्जिस्ट किया क्या? प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूस जनरली जनरेट, क्या जनरेट करेगा? न्यू जीनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, अपने मॉक में आया है. अमाउंट द बीटर ग्राउंड, आइए सबको याद है, याद है क्या? मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, लिपिन, कुकुम्बर, सनम, ग्राम, गुआ, बीन, चिली, पम, प्लम, पेचुना, टोमेटो, रोज, पिथेनिया, पोटैटो, अनियन, एलॉय, टीलिप, कितने होंगे भैया, कितने होंगे? 15 है भैया. बिटर राउंड, ओके बिटर राउंड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, लिपिन, कुकुम्बर, सनम, ग्राम, गुआ है, बीन, चिली, अलॉय, ट्यूलिप, बिथेनिया. 15 अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से आया, किसी को पता है क्या? ये फैमिलीज में से आया है. अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर फ्रॉम द स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, किसी कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, देखते खत्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस. फीमेल ने डिलीवर किया मतलब भैया वही आयोडीन की कमी होगी ना, है क्या? अगला नॉट अ करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म, फंगाई, काइटिनेज होता है क्या? अलगे मिथलेज, बिल्कुल नाइस, सेलुलोज होता है. मेंस्ट्रुएशन फ्लो ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ, किसके लैक की वजह से होता है जी? पता है ना, प्रोजेस्टेरोन की कमी आती है. ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, बाय रिड्यूसिंग द डीफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन दी, ओके डीफॉरेस्टेशन कटिंग एंड यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल. वेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्सीटू, एक्सीटू प्लांट कंजर्वेशन, कौन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन है क्या? लाइक बस मार दिया करो यार बच्चे लोग. ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस, क्या क्या बनाएगा सीवेज, क्या क्या बनाएगा बताओ बताओ बताओ? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अरे सेंट्रल डॉग्मा यार, पता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और क्रिक ने दिया था, अभी मॉक में देखा. डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे? अभी मैंने बताया था,
इलेक्ट्रोपोइसिस डीएनए सेगमेंट को सेपरेट कर देगा। अगला, अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस, क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? बाइवेलेंट कहलाएगा। क्या वो बाइवेलेंट कहलाएगा? यस, वो आपका बाइवेलेंट कहलाएगा। अगला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है हीमोफीलिया के रिगार्डिंग? इनकरेक्ट क्या है? है डोमिनेंट। कहां से है डोमिनेंट यार? डोमिनेंट होता है क्या वो? क्या डोमिनेंट है? नहीं। करेक्ट क्या है एंडोक्राइन के रिगार्डिंग? करेक्ट 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 क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन द ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज अ इंट्रा ओके इंटरसेलर मैसेंजर, इसको अपन हार्मोन्स कहते हैं। ओके अगला, लेंटिकल्स गैसेस एक्सचेंज, सवाल है कॉलम ऑन कॉलम टू बी करेक्ट, कौन सा होगा करेक्ट, कौन सा होगा? पेट्री मायोसोम्स, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोसोमा है क्या? अगला करेक्ट क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन में क्या होगा? पहला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। हाँ जी, क्या बात सच्चा है? क्या बोल रहे हो? मजा आ गया है? आइए, मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन, ये तो नया गया यार, नया गया, ये तो नया गया क्या? आइए, मजा आ गया हो? मजा आया? आधा घंटा। आइए, तो लाइक कौन करेगा? लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर देना। और प्लस वालों का भी क्लास भी 6 बजे से, ओके लाइक कर देना बस, ठीक है? और शेयर कर देना, और जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ना, तुम्हारा कमेंट पढ़ के ना मेरे को बहुत मजा आता है, ठीक है? तो कमेंट करके जाना बस, ठीक है? देखो जल्दी क्यों करा है इसमें ना भैया, मैं तुम लोग को एक बात सिंपल से बता देना चाहता हूँ, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे को नॉलेज देता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है? आगे चलो जी। सो अभी स्पेशल क्लास है रात को, ओके रुको यार, ये क्या हो गया? आइएगा, सो फिर मिलते हैं हम लोग अभी अगले क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, ओके ओके, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, ओके थैंक यू, ओके हाँ जी, जय हिंद।